नमस्कार किसान भाइयों, आज के वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं जून जुलाई या अगस्त के महीने में अगेती फूल गोभी की नर्सरी तैयार करने का वो बेस्ट तरीका जिसको अपनाकर आप अपनी नर्सरी को खुद तैयार कर सकते हैं। साथ में यहाँ पर मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जिसका अगर आप यूज़ करते हैं तो आपका जो बीज है उसका एक एक पौधे का प्लांट अंकुरण होगा और यहाँ पर आपका एक भी पौधा नहीं मरेगा। देखिए, मैं ऐसा नहीं है हवा हवाई में बात करूँगा, आपको लाइव प्रूफ दिखाऊँगा किस तरीके से आपको बरसात के मौसम में अगेती फूल गोभी की नर्सरी तैयार करनी है, कौन कौन सी सावधानियाँ रखनी है, बीज की बुआई कैसे करनी है और ज़मीन तैयार करते समय हमें कौन कौन जरूरी बातों का ध्यान रखना है ताकि आगे चलकर हमारी जो गोभी की जो नर्सरी है वो काफ़ी बेहतरीन हो, उसमें एक एक पौधे का अंकुरण हो और जो एक एक पौधा हमारा है वो काफ़ी बढ़िया और बेहतरीन हो ताकि जब हम उसको अखोड़ कर नर्सरी से प्लांटेशन करने के लिए जाएं तो हमारी जो गोभी की खेती है वो काफ़ी बेस्ट हो। तो चलिए सीधा ले चलता हूँ आपको अपनी गोभी की नर्सरी पर और समझाता हूँ लाइव और दिखाता भी हूँ किस तरीके से आप अगेती फूल गोभी की नर्सरी तैयार कर सकते हैं, कौन कौन ज़रूरी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है और किस तरीके से आपको बीज की बुआई करनी है, वो सारी जानकारी आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो नमस्कार, मैं राजकुमार सैनी स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल डी आर एग्रीकल्चर सैनी में। किसान भाइयों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर अगर नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब भी यहाँ पर कर देना ताकि इस तरीके की और वीडियो भी आपके पास पहुँच सकें। चलिए सीधा ले चलता हूँ आपको अपनी नर्सरी पर, दिखाता हूँ लाइव। जैसा किसान भाइयों आप वीडियो में देख पा रहे हैं, मैं आ गया हूँ अपनी गोभी की नर्सरी पर। यहाँ पर आप पौधे का जो अंकुरण है, बीज का अंकुरण, वो यहाँ पर देख सकते हैं। उससे पहले देखिए, मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बता देता हूँ, अगर आप बरसात के मौसम यानी जून जुलाई अगस्त के महीने में फूल गोभी की नर्सरी तैयार करना चाहते हैं तो भैया यहाँ पर आपको एक टेंट या तंबू ज़रूर बनाना पड़ेगा। जैसे कि अभी इस समय आप देख पा रहे हैं मैं अपने टेंट के नीचे ही बैठा हूँ और इस समय आप देख सकते हैं इस समय बारिश हो रही है, जैसे कि आपको वीडियो में आवाज़ भी आ रही होगी, इस समय बारिश हो रही है और मैं अपने टेंट के नीचे ही बैठा हूँ। तो देखिए, मैं आपको पूरा दिखाता हूँ और पूरा बताता हूँ किस तरीके से आपको यहाँ पर नर्सरी तैयार करनी है ताकि जो हम यहाँ पर बीज को बोएं तो हमारे एक एक बीज का अंकुरण यहाँ पर हो। तो सबसे पहले देखिए आपको क्या करना, जैसे कि सर भाई आप वीडियो में देख पा रहे हैं यहाँ पर आपको एक एक बीज का अंकुर देखने को मिल जाएगा। आप कहीं भी देखते हैं यहाँ पर आपको एक एक बीज का अंकुर देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले इसके लिए आपको क्या करना है, ज़मीन को प्रॉपर बढ़िया तरीके से तैयार करना है। ज़मीन को तैयार करने के बाद आपको इसमें DAP मिला देना है और साथ में आपको यहाँ पर कार्बोफ्लोरान मिला देना है जिसको हम फ्लोरान बोलते हैं। ये दोनों चीज़ आपको इसलिए मिलाना है क्योंकि DAP जो होता है वो ताकत देता है और कार्बोफ्लोरान हमें इसलिए मिलाना पड़ता है कि ज़मीन के अंदर जो हानिकारक कीट होते हैं जिससे कि हमारे पौधे में जब अंकुरण होता है तो कीट इसको खा लेते हैं या काट देते हैं, तो इसलिए हमें इसके अंदर क्या करना पड़ता है, कार्बोफ्लोरान मिलाना पड़ता है जिससे कि हमारा कोई पौधा यहाँ पर ना मरे। तो क्या करना है, ये दोनों चीज़ मिलाने के बाद आपको ज़मीन के अंदर प्रॉपर पानी भर देना है। जैसे कि अभी यहाँ पर आप देख पा रहे हैं दो के अंदर मैंने यहाँ पर बुआई कर दिया हूँ, दो इस तरीके से, और अभी यहाँ पर दो क्यारी जो हमारी है इसके अंदर बुआई नहीं किया हूँ, इसके अंदर मैंने कार्बोफ्लोरान और DAP मिलाकर छोड़ दिया है। जैसे ही मेरी ज़मीन ये खोसक हो जाएगी, एकदम भरभरी हो जाएगी, फिर इसको क्या करना है, खुरपे की सहायता ज़मीन को बारीक कर देना, बारीक करने के बाद फिर इसके अंदर बीज की बिजाई कर देनी है। तो इसलिए किसान भाइयों आपको कार्बोफ्लोरान और DAP जरूर मिलाना है। तो देखिए, बीज की बुआई आपको क्या करनी है, आपको क्या करना है, इस तरीके से उंगली की सहायता से ज़मीन बारीक करने के बाद उंगली की सहायता से इस तरीके से आपको लाइनें खींच देनी है, हाथ से इस तरीके से आपको लाइनें खींच देनी हो, और लाइनें खींचने के बाद आपको यहाँ पर एक एक बीज इस तरीके से आपको यहाँ पर बुआई कर दी है। देखिए, कुछ किसान भाई क्या करते हैं, बीज को लाते हैं और ज़मीन एक सार करते हैं और यूँ ही इस तरीके से बखेर देते हैं, तो उससे होता क्या है कि हमारे जो अधिकतर बीज होते हैं वो नहीं जम पाते, ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि कुछ बीज जो होते हैं गहरे में चले जाते हैं या कुछ बीज ऊपर रह जाते हैं जिसकी वजह से बीज का अंकुरण प्रॉपर नहीं हो पाता। तो देखिए, ये सबसे बेस्ट और सबसे बेहतरीन तरीका है, अगर आप इस तरीके से उंगली से लाइनें बनाने के बाद बीज की बुआई करते हैं तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे आपका एक एक बीज का अंकुरण यहाँ पर हो जाएगा। जैसे कि आप अगली क्यारी में भी देख पा रहे होंगे इस तरीके से आपके एक एक बीज का अंकुरण यहाँ पर हो जाएगा। तो अगर इस तरीके से आप बुआई करते हैं तो भैया आपके एक एक बीज का अंकुरण होगा, आपका जो पौधा होगा स्वस्थ होगा, बेहतरीन होगा। और आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर आप बरसात के मौसम में नर्सरी तैयार करें तो भैया इस तरीके, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मैं टेंट बना हुआ हूँ और मैं टेंट के नीचे ही बैठा हूँ, तो इस तरीके से तंबू या टेंट आपको बना देना है और साइडों से इस तरीके से आपको आड़ कर देनी है ताकि जो भी जानवर हैं, छोटे जानवर हैं, कुत्ते वगैरह हैं, वो आपकी नर्सरी के अंदर नहीं घुसें ताकि जो हमारी नर्सरी है वो ख़राब ना हो। तो इस तरीके, जैसे कि आप देख पा रहे हैं वीडियो के अंदर, इस तरीके से आपको आड़ कर देनी है साइडों से ताकि कोई भी जानवर या
कीड़ हमारे खेती के अंदर ना घुसे और हमारी खेती में किसी प्रकार का नुकसान ना हो। तो किसान भाइयों, इस तरीके से आप नर्सरी तैयार करें, बहुत ही बढ़िया आपकी नर्सरी होगी और आपका एक एक पौधा स्वस्थ होगा, बेहतरीन होगा, बढ़िया होगा। धन्यवाद।